Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys how to make chicken lollipop at home. Let's start with the video. सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच भर के लेना है, हरी मिर्ची का पेस्ट एक चम्मच से थोड़ा सा कम डालना है, यहाँ पे विनेगर डाला मैंने और फिर मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया, गरम मसाला ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच भर के, उसके बाद हल्की सी हल्दी डालूंगी नाम के लिए और फिर भरकर डालूंगी नमक, भरकर इन सेंस जितना नमक लगेगा उतना ही, ठीक है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हल्का सा बेकिंग सोडा और फिर इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लावर एक चम्मच भर के, कलर ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया मैदा, एक से दो मुट्ठी भर के मैदा ऐड करना है। जितना आपने कोटिंग रखना है उसके हिसाब से आपने मैदा ऐड करना है इसमें, ठीक है। मैंने कम से कम 3 से 4 मुट्ठी भर कर डाला बिकॉज मैंने कोटिंग इतनी नहीं रखना है, मेरी चिकन की लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं इसकी करूँगी मिक्सिंग, हल्का हल्का पानी डाल के इसकी होगी मिक्सिंग। आपको कोटिंग ज़्यादा चाहिए तो आपने हर इन्ग्रीडियंट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, दैट्स इट। बस सिर्फ मैदा नहीं बढ़ाना है, टेस्ट की चीज़ें जैसे मसाले भी थोड़े थोड़े बढ़ाने पड़ जाएंगे आपको। आप देखिए मेरी तो तबीयत ख़राब हो चुकी है, सर्दी हो गया है मुझे। हाँ, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ फॉर दिस एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच द होल वीडियो। अब ये लॉलीपॉप के मसाले को पूरा मसाला लग गया है अच्छे से एकदम, अब मैंने इसमें मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया। आपने एकदम अच्छे से मिक्स करना है, गट्टे वगैरह ना रहे, एकदम बारीक से मिक्स करना है। अगर कुछ गट्टे वट्टे हैं तो वो देख लेना है आपने। अब यहाँ जब इसकी पूरी मिक्सिंग हो गई है अच्छे से, तब मैंने इसमें उठा के लॉलीपॉप ऐड कर दिया। लॉलीपॉप ऐड करके मैं पूरे लॉलीपॉप पे ये मसाले को लगवा दूँगी। आप चाहे तो ऊपर से मैदा ऐड कर सकते हो अगर आपको कोटिंग कम लग रही है तो। मेरे लिए दिस मच कोटिंग इज इनफ, तो मैंने एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं किया। कुछ लोगों को लॉलीपॉप विद कोटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, मोटा सा लेयर होता है तो ज़्यादा टेस्टी है, यम या आई डोंट नो, दे लाइक इट, सबका अपना पसंद, तो वो हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग होने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी डब्बे में डालकर, कि जब भी मुझे इसको रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इसको फिर फ्राई कर सकती। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा था और मेरी कोटिंग इतनी ही थी, हल्की हल्की पूरी नहीं थी, ये देखिए इतनी ही कोटिंग थी। तो आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हो, टोटली डिपेंड। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ बिकॉज सबको लॉलीपॉप की कोटिंग पतली नहीं पसंद है और मुझे विद मोटी लेयर ऑफ कोटिंग नहीं पसंद है, सो दिस इज़ हाउ इट एंडेड अप। मैंने इसको रख दिया और फिर मैंने इसको फ्राई किया। जब इफ्तारी का टाइम होता है आपने फ्रिज से निकाल लेना है और इसको फ्राई कर। यहाँ मैंने 8 to 10 पीसेस फ्राई कर दिया था और इफ्तारी के टाइम खाने के लिए रेडी हो गया।